हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि आप सब लोग जहां भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो। और आज की जो वीडियो है वो है रिगार्डिंग आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी। क्या है पिछले जन्म में आपके साथ क्या क्या ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से आज आपको ये जन्म लेना पड़ा, और जो भी आज आपको दुख है, कष्ट है या खुशी भी, जो भी चीजें आज आपके साथ है तो वो क्यों है? पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है ना, तो पास्ट लाइफ का ऐसा क्या कनेक्शन है जो आज आप अपनी जिंदगी जो जी रहे हो उसमें जो भी पेन, सक्सेस, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, वो पास्ट लाइफ का क्या ऐसा रीजन है? आज हम यहाँ पे ये देखें। यहाँ पे तीन ब्रेसलेट्स हैं। फर्स्ट है रेड कार्नेलियन, सेकेंड है येलो सिट्रीन, थर्ड है एमेथिस्ट। आपको जो भी ब्रेसलेट सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, दिमाग में क्वेश्चन रखना और पॉज करके फिर आप ब्रेसलेट सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड स्टार्ट करते हैं आपकी ग्रुप नंबर वन जिन्होंने रेड कार्नेलियन चूज किया है। तो अगर बात करूं कि पिछले जन्म की आपकी एक्चुअली में स्टोरी क्या थी, मतलब मैंने सिर्फ यहाँ पे अभी ये जानने की कोशिश करी कि आपकी पर्सनालिटी कैसी थी, मतलब आपकी होल लाइफ, आपकी पूरी जिंदगी जो थी वो उसमें मेजर कैरेक्टर आपने क्या निभाया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है। सबसे पहले आया सीता एंड उसके बाद अहिंसा, और ये दोनों कार्ड जो हैं, ये दोनों कार्ड्स कॉम्बिनेशन में ये दिखाते हैं कि आप एक ऐसे पर्सनालिटी थी, पास्ट जन्म की बात कर रही हूँ, जो काइंड ऑफ बहुत ज्यादा सहनशील, बहुत ज्यादा विनम्र और बहुत ज्यादा दयावान, और सबसे बड़ा जो चीज है वो है लॉयल्टी। मतलब अगर जैसे था ना वन मैन वुमेन, वन वुमेन मैन, मतलब एक इंसान जिससे प्यार कर दिया, प्यार किया, अब उससे पूरा प्यार अपना निभाया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे, बट उसी से प्यार किया। ठीक है, सीता जी का तो आपको याद पता ही है कि उन्हें रावण जी ने हर लिया था, मतलब आपको सब चीजें पता है। तो फिर भी मतलब सीता जी की कैरेक्टर और पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि सी डियर, उन्होंने ना देखिए ये यहाँ पे अहिंसा का भी वर्ड आया, तो मतलब लाइक वो कहते ना अपनी पर्सनालिटी में वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उन्हें ना बहुत ज्यादा वायलेंस की जरूरत ही नहीं थी, उनके वर्ड्स ही इतने ज्यादा भारी थे। जैसे उन्होंने सिर्फ रावण को सिर्फ और सिर्फ किसके दम पे रोक रखा था, एक वो छोटा सा तिनके के दम पे, ठीक है, उस तिनके के दम पे रोक रखा था। तो यहाँ पे ये अहिंसा वर्ड मतलब लिटरली मुझे यहाँ दिखा रहा है कि डियर आपकी जो पर्सनालिटी थी वो कुछ ऐसी थी, यू आर वेरी डिवाइन, आप बहुत डिवाइन थे। ठीक है, चीटिंग, ग्रीड और लालचपन और ये जो सारी चीजें होती है ना, जो जो शेड रिपूज होते हैं, वो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप पिछले जन्म में, मतलब भले ये सिर्फ पिछले जन्म की कहानी है, मैं आगे आपको और बताऊंगी, ये कहानी कुछ ऐसी है कि डियर आपकी जो पर्सनालिटी, जो आपका कैरेक्टर है, ठीक है, ये इंटरनली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है, बट आप जो बाहर से जो आपकी पर्सनालिटी है ना, एक होता ना एक पर्सनालिटी ऐसी होती है जो अंदर से तो कुछ नहीं होता और जो बाहर से बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं, फाफू फाफू करते रहते हैं, बट आप ऐसी पर्सनालिटी हो, बहुत शांत, बहुत धैर्य, बहुत साहस, बहुत पेशेंस और बहुत ज्यादा विनम्र, और अंदर आपका बहुत कुछ भरा था, मतलब लाइक मुझे यहाँ पे अंदर बहुत ज्यादा लव, प्योरिटी, डिवोशन, मतलब ये सारी चीजें दिख रही है। ठीक है, और आप ऐसे, आपकी ऐसी कैरेक्टर रहा है पास्ट जन्म में जो एक्चुअली में ना वॉज वेरी काइंड एंड ना लाइक वेरी स्ट्रांग। सी यहाँ पे ना शेर दिख रहे हैं आपको, लॉयन दिख रहे हैं, सॉरी है ना, लॉयन दिख रहे हैं यहाँ पे, और साथ में अहिंसा। तो डियर आपको ना किसी ऐसे वॉयलेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। पता है आपको, मैंने कहीं पढ़ा था वॉयलेंस उनको जरूरत पड़ती है जो इंटरनली कमजोर होते हैं, बट आप लोग ऐसे लोग हो जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। और देखते हैं, लेट्स सी, म्यूजिक एंड रोबोट एंड दिस दैट फैट मैन। देखिए डियर, ये जो चीज है ना, ये सारी चीजें मुझे तो एक्चुअली यही लग रहा है, म्यूजिक एंड दिस, ये रेड ब्रेसलेट, ये रेड ब्रेसलेट जो होता है ये हमारा आपका स्वाधिष्ठान चक्र, जो रूट चक्र के जस्ट ऊपर वाला जो चक्र होता है, जो ऑरेंज कलर का होता है, वो चक्र बहुत एक्टिव है, पिछले जन्म में बहुत एक्टिव रहा, और उसके कुछ कैरेक्टर, कुछ ट्रेट्स आपके इस जन्म में भी आए,
तो कोई भी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, कोई भी ऐसा टैलेंट है, ठीक है, डांसिंग, म्यूजिक, फैशन, कोई भी ऐसी चीज है, तो वो आपके पिछले जन्म से चली आ रही है। और दूसरी यहाँ पे ये चीज भी है कि डियर, आपके अंदर ना कुछ ऐसी स्किल्स है जो बहुत ज्यादा आप फूडी तो हो, ठीक है, मुझे प्लीज हाँ, मतलब आपको शायद अच्छा अच्छा खाना खाने का बहुत ज्यादा शौक है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा फूडी हो। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जिसके प्रति आप पूरी तरह से समर्पित हो, अब यार ये आपके फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं, मतलब आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो और वो प्यार कभी भी कम नहीं हुआ, ना ही मतलब उस वो एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसको कभी फर्क नहीं पड़ा, जो ना ही कम ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वो एक बिल्कुल प्योर लव है, ओके। और एक और चीज यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग बहुत काम करते हो, ओके, इस जन्म में भी शायद आप लोग बहुत काम करते हो। चलो अब और ज्यादा डिटेल में देखते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी क्या है, व्हाट इज योर पास्ट लाइफ स्टोरी, लेट्स सी। एंड आई एम रियली सॉरी अगर थोड़ा सा ना कलर्स और बैकग्राउंड का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा हो, तो लेट्स सी। हाँ डियर, जो आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी ना, पास्ट लाइफ स्टोरी कुछ ऐसी है, आपका पिछला जन्म कुछ ऐसा है। देखिए मतलब मुझे ना सीता जी का जो कैरेक्टर ना, वो बिल्कुल यहाँ पे भी मुझे एप्लीकेबल हो रहा है। मतलब मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऐसे लोग हो जो बहुत ही प्योर हार्टेड हो, जो जिसको प्यार करते हो ना वो बहुत पूरे दिल से करते हो, बट आपको कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, मतलब पिछले जन्म में कह रही हूँ, ठीक है। पिछले जन्म की अगर मैं आपकी डिटेल की कहानी बताऊं तो आपको मिसट्रीट किया गया या आपको मिसअंडरस्टैंड किया गया है ना, आपको मुझे यहाँ यही लग रहा है कि जो इंसान बहुत ज्यादा सच्चे होते हैं ना, तो लोग उनपे भी डाउट करते हैं कि यार ये ऐसा क्यों है, ये इतना सच्चा नहीं हो सकता, तो लोग उनपे ना तोहमतें लगाते, लोग उनपे ना कुछ कुछ उनको खराब करने की कोशिश करते हैं, उनकी अच्छी साफ इमेज को भी खराब करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी कुछ ऐसी इमेज थी कि आप बहुत ज्यादा प्योर वाइट एकदम डिवाइन टाइप के थे, बट कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से बहुत परेशान रहे पास्ट लाइफ में, बहुत ज्यादा आप लोगों ने ना आपको बहुत ज्यादा फंसाया, ओके, बहुत ज्यादा फंसाया, बट आपने ना बहुत ज्यादा लड़ाई करने के बजाय आपने एक्चुअली, मैंने कहा ना, आपने बहुत पीस का मार्ग चुना, आपने शांति का मार्ग चुना, आपसे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े और ना ये सब चीजें ना जो होती है वो सब सहन नहीं किया गया, और आप एक्चुअली में ना वो जो जगह थी वहां से कहीं और निकल के गए, और आपने अपनी एक अलग दुनिया बसाई, ठीक है, आपने अपनी एक अलग दुनिया बसाई। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप कहीं बहुत दूर गए, मतलब आपने ना पास्ट जन्म में, पास्ट लाइफ की अगर मैं आपकी पूरी कहानी बोलूं तो पास्ट लाइफ की आपकी कहानी कुछ ऐसी थी कि आपने ना ट्रैवल किया, मतलब जहां पे भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती थी, मतलब लोग जहां आपको नहीं समझते थे, जो जहां पे लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते थे, आप शायद वहां से चले जाते थे, या आपने बहुत ट्रैवल भी किया और आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान, कोई बहुत ही
कोई बहुत ही स्ट्रांग इंसान, कोई स्ट्रांग डोमिनेंट इंसान। सी ये वाला जो कार्ड है ना, ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड, ये दोनों कार्ड मुझे यही दिखाता है कि यस आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिसे आप बिल्कुल बहुत दिल से प्यार करते हो, बहुत दिल से प्यार करते हो, जिन्हें ना आप अपना सब कुछ मानते थे पास्ट लाइफ में, ओके। और इस इंसान, ये इंसान आपकी ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। बट ये इनका आपके साथ रिलेशनशिप था पास्ट में, ये इस जन्म में भी आया होगा, ठीक है, मैं और देखूंगी। बट आपको वैसा प्यार नहीं मिला, पिछले जन्म में भी आपको ना वैसा प्यार नहीं मिला, जो लव आप डिजर्व करते थे, जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते थे, वो रिस्पेक्ट और प्यार आपको नहीं मिला, वो पोजिशन आपको नहीं मिली, ओके। आप अपनी लाइफ में ना पिछले जन्म में आप भले ही बहुत स्ट्रांग थे, बट फिर भी आपने ये चुना कि चलो ठीक है बाकी लोगों की बात मान लेते हो, कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनालिटी थी वो दब गई, ठीक है, वो दब गई। आप बहुत परेशान रहते थे, मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आप रिलेशनशिप की वजह से अपने जो जिनको भी आप प्यार करते थे उनकी वजह से भी आप पिछले जन्म में भी बहुत परेशान रहते थे और अंदर ही अंदर रोते थे, ठीक है, अंदर ही अंदर रोते थे, किसी को अपना दुख बयां नहीं करते थे। शायद ये आपकी ना एक्चुअली पास्ट लाइफ की स्टोरी है, ठीक है, और ये ऐसी स्टोरी है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टोरी मैक्सिमम लोगों के साथ हो सकती है, जो मैक्सिमम फीमेल होती है ना, इंडियन फीमेल्स जो हाउसवाइफ होती है, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा चीजें होती है, ठीक है। अब प्लीज जो लोग मेल देख रहे हैं ना, अब आप बोलोगे कि आप मेल की तो बात करते नहीं हो, मैं मेल की भी बात कर रही हूँ और फीमेल की भी बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक्चुअली ऐसी सोल की बात कर रही हूँ जो अपने प्यार में ऐसे सब कुछ दे देता है और अपनी पर्सनालिटी, अपनी आइडेंटिटी भी दे देता है, मतलब वो सब कुछ दे देता है, अपना जीवन भी दे देता है, अपनी जीवन पूरा निछावर कर देता है सामने वाले पे। बट फिर भी जब सामने वाला इंसान क्वेश्चन करता है ना, तो बहुत दुख होता है। तो आप एक ऐसी सोल हो, देखते हैं कि आपका प्रेजेंट लाइफ कैसी है, ठीक है, प्रेजेंट लाइफ कैसी है और पास्ट लाइफ की क्या चीजें आपकी इस जन्म में भी है, ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे कि पास्ट लाइफ की कौन सी ऐसी चीज है जो इस जन्म में भी है। लेट्स सी, ये फैमिली, फ्रेंड्स, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, ओके। सी डियर, मुझे तो यहां पे ना दो चीजें लगी, ये यहां पे दो ऑप्शन लगे। सबसे पहले मुझे यहां पे ये लगा कि जो पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे लोग जो अभी आपकी लाइफ में थे और चले गए, ओके, ये आपका पार्टनर हो सकता है, ये आप सेपरेशन में हो सकते हो, या कुछ लोगों के लिए ये कोई एक्स हो सकता है, कोई ओल्ड रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में आया बट उसका कर्मा खत्म होके ही हैज गॉन, मतलब मुझे यहां ये लग रहा है, ठीक है, ये आपका पार्टनर और ये कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। और सेकेंड चीज लग रहा है जो पिछले जन्म से आप लेके आ रहे हो, जो कहते हैं ना अंदर ही अंदर परेशान होना, फैमिली की वजह से परेशान होना, फैमिली या फैमिली को लेके कोई भी दिक्कत आ रही है, या फैमिली मेंबर्स को लेके कोई दिक्कत आ रही है, या घर को लेके कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, या पैसों को लेके कोई दिक्कत आ रही है, पास्ट जन्म की जो चीजें आप लेके आ रहे हो, सबसे पहले तो कोई ये रिलेशनशिप है, ये इंसान है जिसके साथ आप पिछले जन्म में भी थे बट इस जन्म में ये इंसान अभी आपकी लाइफ से चला गया है, ओके, ये चला गया, ये 3-3 वाला ग्रुप आ रहा है, ये 3-3-3। और ये जो इंसान है ना, एक मिनट, इस इंसान के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, एक मिनट, यहाँ पे ना दो चीजें। सबसे पहले तो जो ये इंसान, बार बार मैं इंसान कह रही हूं, बट ये जो भी रिलेशनशिप आपका पास्ट लाइफ से आया है, ठीक है, इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है, बहुत कुछ सिखाया, जहां आप
इमेच्योर थे, जहां पे आपको चीजों को नहीं समझ में आता था, वहां पे बहुत लेसन इस इंसान ने भी सिखाए। देखो ये इंसान जो है ना वो बहुत खराब नहीं दिख रहा, ठीक है, ये इंसान ना अर्थ साइन हो सकता है, अर्थ साइन हो सकता है, थोड़ा सा हेल्दी हो सकते हैं, और मतलब ना मनी मैटर को लेके, काम को लेके, घर को लेके, जो भी फाइनेंशियल चीजें होती ना उनको लेके बहुत सीरियस हो सकते हैं। और इस इंसान ने आपको यही चीजें सिखाई कि भैया इस दुनिया में ये जो पैसा और काम, ये इनको इनको बहुत ईमानदारी के साथ करो, इनको बहुत शिद्दत के साथ करो, इनको बहुत कंसिस्टेंसी के साथ करो, ये ऐसा इंसान। ओके, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ये इंसान है, ठीक है, सब लोगों की लाइफ से नहीं गया, बट कुछ लोगों की लाइफ में अभी भी है। ओके, एंड जो जो दूसरी चीज आप अपने पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हो वो ये है, डियर जो भी फैमिली में परेशानियां होती है ना, जिसको भी लेके भी ये लड़ाई झगड़े करते थे, जो भी चीज जहां पे पास्ट लाइफ में आप उन लड़ाई झगड़ों को ज्यादा फेस नहीं करते थे, चले जाते थे, अभी आप उन सब चीजों को फेस कर रहे हो। मतलब ये कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, ये घर को लेके ना, घर का कोई भी इशू जिसको लेके स्ट्रेस हो सकता है, अभी उन सबको आप फेस कर रहे हो, उन सबको आप उनसे आप काफी स्ट्रांग हो रहे हो, ठीक है। आप में से कुछ लोग फाइनेंशियल इशू जो है ना वो कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं, और कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो इन सब चीजों को छोड़ के जाना चाहते हैं, ठीक है। ये फैमिली लव लाइफ, फैमिली रिलेशनशिप और ये पैसा, ये जो चीजें ना ये आप अपनी पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हो। ओके, और देखते हैं कि पास्ट क्या ये जो कर्मा आपका, कोई भी कर्मा है, जो मेजर कर्मा है पास्ट लाइफ का, जो मेजर कर्मा है वो कब तक रहेगा, कब खत्म होगा, मतलब आपकी जो ये प्रॉब्लम आप जो पिछले जन्मों से लेते आ रहे हो ना, ये एक्चुअली में कब खत्म होगी। ओके, लेट्स सी। एक और देख लेते हैं, आपका फ्यूचर कैसा है, ठीक है, ये भी देखते हैं। सी वाओ, इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए यार, वाओ। सी डियर, देखिए आप अपनी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम, जो भी पास्ट लाइफ ट्रॉमास आप लेके आ रहे हो ना, ये एक्चुअली ना ही भागने से सॉल्व होगा, ना ही परेशान होने से सॉल्व होगा, ना ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल होने से सॉल्व होगा, ये एक्चुअली सॉल्व होगा देने में, ठीक है। शांति, टेम्परेंस का कार्ड हमेशा ये दिखाता है कि थोड़े से ठंडे रहो, थोड़े से ठंडे रहो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, और आराम से ना धीरे धीरे जो होती है ना डिवाइन क्वालिटीज, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, आराम से स्लोली स्लोली चीजें सब इजीली काम सही हो जाता है, वो ये कार्ड दिखा रहा है। और सी, क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड, ये दोनों कार्ड वाटर साइन एंड फायर साइन, बट ये कार्ड पता कैसे आ रहे हैं, ये कार्ड ऐसे आ रहेगी, सी यहाँ पे जो लोग आपको, आई नो आप लोग, आप में से बहुत सारे लोग कोई रिलेशनशिप या किसी ने कुछ कह दिया, इन सब चीजों की वजह से बहुत दुखी रहते हो, तो जो लोग आपको परेशान करते हैं, जो लोग आपको उससे जलते हैं, जो भी चीजें हैं, ठीक है, आप उन्हें जितना प्यार दोगे, जितना बिकॉज यहाँ पे ना सेल्फलेस लव, क्वीन ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट सेल्फलेस लव, कैसा भी मिसट्रीट करे, बट ना अपनी जो होती है ना टेम्पर होता है ना, वो खोना नहीं है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट योर बींग सक्सेसफुल इन योर करियर, और जो भी, अगर आप हाउसवाइफ भी हो या आप स्टूडेंट भी हो, कहीं पे भी, जहां पे भी आपकी जो भी सिचुएशन है, एक भी अंदर से स्ट्रांग रहना, अंदर से स्ट्रांग रहना, और बिकॉज पता है क्या, आप लोग बहुत डिवाइन हो,
आपकी ये सारे वुमेन के कार्ड है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फीमेल ही हो, ठीक है, बट आप मेल भी हो सकते हो, बट आप लोग ऐसे लोग हो जो क्वाइट इमोशनल हो, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, यार किसी ने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, तो आपको परेशान नहीं होना है, सब चीजों को आपको लव से सॉल्व करना है, और आपके काम में आप बहुत परफेक्ट रहो, काम में बिल्कुल फोकस रखो, आपका आने वाला जो फ्यूचर है ना डियर, वो बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आपकी लव लाइफ सुनी है, आपका रिलेशनशिप खराब है, वो अच्छा होने वाला है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने वाले, तो प्रेगनेंसी, कंसीव, बच्चे का सुख, ठीक है, इवन आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप जो है वो भी अच्छा होगा आपका, आपके जो भी रिलेशनशिप, जो मेजर रिलेशनशिप होते हैं ना लव वाले, या वो सब भी ठीक होंगे। और इवन आप जहां फंसे हुए हो, जहां पे आप स्टक हो, जहां आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वहां पे भी आपकी मुझे हीलिंग दिख रही है। तो ओवरऑल अगर मैं आपके फ्यूचर की बात करूँ ना, मुझे आपका फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत, मतलब सी ये जो कार्ड है ना, ये काफी पॉजिटिव कार्ड है, नेगेटिव से सब चीजें जो पॉजिटिव होने वाली होती है ना, ये वो वाले कार्ड है, तो आपके लिए मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है। लेट्स चेक, आपके लिए एक गाइडेंस देख लेते, लेट्स चेक। डियर देखिए, आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है ना, वो यही आ रही है कि आप अपनी लाइफ में जो भी लर्निंग, ट्रेनिंग, कोई भी ऐसी चीज जो आप सीखना चाहते हो, ठीक है, आप भले ही ओल्ड एज ग्रुप हो, चाहे आप यंग हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, कोई भी ऐसी चीज जो आपको सीखनी चाहिए आपके करियर से रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, या इवन अगर आप हाउस वाइफ हो, तब भी कुछ ऐसी चीजें जो आपको सीखनी चाहिए, सीखने के लिए कोई एज नहीं होती, तो उसके लिए आप सीखो, लर्न करो, बिकॉज यहाँ पे ना आपके लिए, पता है आपकी लाइफ की अभी जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि आप जो जो चीजें मांग रहे हो ना, भगवान जी आपको वो एनर्जीज दे रहे हैं, ठीक है। मान लो अगर आपको कहीं कोई सक्सेसफुल होना है, कोई एग्जाम क्रैक करना है, या कोई जॉब पानी है, तो वो सारी एनर्जीज आपको मिल रही है, बट वो एनर्जी कहाँ जा रही है, वो एनर्जी आप ना यूटिलाइज नहीं करके वो वेस्ट जा रही है, वो वेस्ट जा रही है, परेशानी में जा रही है, स्ट्रेस में जा रही है, तो ये चीज मत करो, इस इतनी अच्छी ब्लेस्ड एनर्जी को आप पॉजिटिव एक्शंस में लगाओ। और सी सक्सेस ऑफ वॉन्ट्स इज सॉरी फाइव ऑफ वॉन्ट्स सॉरी सिक्स ऑफ वॉन्ट्स इज द मोस्ट सक्सेसफुल कार्ड, तो मुझे आप लोगों के लिए आगे बहुत अच्छी सक्सेस दिख रही है, ठीक है, सक्सेस दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है, लाइट दिख रही है। ओके गाइज, सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर वन रेड कार्नेलियन वालों की रीडिंग। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हो, और अगर रेजोनेट हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर टू, जिन्होंने भी येलो सिट्रीन का ब्रेसलेट चूज किया है, तो अगर मैं मेजर एनर्जी की बात करती हूँ कि मेजर पास्ट लाइफ में आप क्या थे, तो लेट्स सी, लेट्स सी। लक्ष्मी एंड देन चिन्मस्का एंड देन मूलाधार एंड नियम्स, ओके, और इसमें भी देखते हैं, ये टू ऑफ कप समझ लो, ठीक है, ये जू एंड देन दिस इज स्पाइडरमैन। सी डियर, जो भी ये येलो सिट्रीन वाला ग्रुप है, ये एक्चुअली ऐसा ग्रुप है जो जिनका पास्ट लाइफ भी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था, ठीक है। ये लोग अगर आज आपको लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल पावर्स है, या फिर आपके अंदर ना आप बहुत कुछ चीजें समझने लग गए हो, ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, स्पिरिट्स की, और अपने चक्रास को बैलेंस करने की, इन सब चीजों को आप बहुत ज्यादा समझने लग गए हो, तो आप एक बात याद रखो डियर, ये सारी जो चीजें ना, नेचुरल जो गिफ्ट्स हैं, ये आपको ऐसे नहीं मिले। आप ऐसी सोल हो जो पिछले जन्म में, ठीक है, मतलब लाइक सबसे पहली बात तो आप पे बहुत काम किया गया, आप पे बहुत इनर वर्क किया है, और आपने खुद ने भी किया है, और आपके ऊपर आपके स्पिरिट गाइड्स ने आप पे करवाया है, मतलब आप ऐसी सोल हो जिनकी लाइफ में, पास्ट लाइफ में कोई कमी नहीं थी, ना पैसा, शोहरत, सुंदरता, मतलब कहते हैं ना खान पान, अच्छा वैभव, ये सारी जो चीजें थी ना आपके पास लाइफ में, बिल्कुल सब कुछ अच्छा था, मतलब
यू आर दैट पर्सन, यू आर दैट सोल जिसे जिसने ना सब कुछ देखा है, ऐशो आराम कहते हैं ना, बिल्कुल रिचेस्ट जो चीजें होती है ना, सारी भोग की जो चीजें होती है, ठीक है, वो सब चीजें देखी है, फैशन, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, सुंदरता और इवन फूड, और इवन आप ऐसे लोग हो, ऐसे लोग पास्ट लाइफ में जहां पे भी आप जाते हो ना, मतलब सुंदरता फैला देते हो, ये आपकी हो सकता है कि आप अभी भी ब्यूटीफुल हो, ठीक है, मतलब आप में से बहुत सारे लोगों का लग रहा है मुझे, बट अगर मैं बात करूं डियर, आप पास्ट लाइफ में इन सब चीजों के बाद आप एक बहुत डार्केस्ट टाइम पे गए, ठीक है, एक आपने अपनी लाइफ का एक ऐसा टाइम देखा, ठीक है, जो कहते हैं ना बहुत डार्क टाइम, बहुत ही या तो वो गरीबी से रिलेटेड हो सकता है, वो फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, मतलब कहते हैं ना आपने बहुत ऊंचाई से, अर्थ से आप फर्स्ट वाली जो चीज है ना सफर, वो चीजें आपने देखी, आपने बहुत डार्क टाइम देखा, बट उस डार्क टाइम में भी, उस परेशानी वाले टाइम में भी ना आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत काम किया डियर, बहुत ज्यादा काम किया, मतलब मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने जैसे कैसे उठ के फिर से कैसे गिर के फिर से उठा जाता है ना, वो चीजें सीखी है आपने पास्ट लाइफ में, तो इस जन्म में ना आप ऐसी सोच लो कि आपको ना ये लेसन तो सीखने को ये लेसन आप में से बहुत कम लोगों का होगा, मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव होता भी है, तो आप ऐसी सोलो जो अपने आप पर काबू रखना जानती है, अपना इनर वर्क, अपना स्पिरिचुअल वर्क, अपनी एनर्जी को बिल्कुल मेंटेन बैलेंस करके रखती है, और ये जो जो खराब टाइम पैसों से रिलेटेड, इवन फैमिली फ्रेंड, ये जो चीज है ना डियर, इसने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। कभी कभी तो होता है कि डार्क टाइम हमें तोड़ देता है, परेशान करता है, नो, बट इस डार्क टाइम में आपने बहुत कुछ चीजें सीखी, मतलब एक्चुअली अगर मैं बोलूँ ना कि इंसान का जो बेसिक लेसन नहीं होता, बेसिक लेसन कि भाई तुझे अच्छा कमाना सीखना चाहिए, ठीक है, कुछ लोग तो किस्मत से कमा लेते हैं, कुछ लोग कैसे भी करके कमा लेते हैं, बट कुछ लोग जो बहुत गरीबी से ऊपर आते हैं, कुछ लोग बहुत सीखते हैं अपने आप पे काम करना, वो लोग कभी फेल नहीं होते, तो आप वो लोग हो जो है ना, जो जो एक्चुअली उनको सब कुछ मिला, भोग की चीजें मिली, खराब टाइम देखा, बट उन्होंने ना यहाँ पे ना इन दोनों का क्लैरिफिकेशन कार्ड, ये नियम आया, ओके, ये एक्चुअली ना तब आपने अपने ऊपर काम किया, आप मेडिटेशन ज्यादा करने लगे, मैं इस जन्म की बात नहीं कर रही हूं, मैं पिछले जन्म की बात कर रही हूं, आप पिछले जन्म में ही बहुत मेडिटेशन करते थे, बहुत ज्यादा, जो कहते ना यम नियम, फोकस, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, इन चीजों पे आपका बहुत ज्यादा ध्यान था, और आपने इन चीजों पे विजय पाली, मतलब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग गरीबी से निकल गए हों और सब चीजें हो गई, अच्छी हो गई हों, बट आपको अब इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, पता है क्यों नहीं फर्क पड़ता, बिकॉज आप खुद एक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो, आपको पता है आपने चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा या नहीं पढ़ा, चाहे आपने सीक्रेट पढ़ा या नहीं पढ़ा, कुछ करा नहीं करा, बट आपने पिछले जन्म में ही ये चीजें सीख ली कि भाई है ना, मेरे को डिटैच कैसे होना है लोगों के साथ और सारी भोग की वस्तुओं के साथ, कैसे डिटैच रह के कैसे कैसे उस हाई वाइब्रेशन में जाना हुआ फटा, और उसके बाद आपकी लाइफ में सब चीजें अच्छी अच्छी होती गई। सी पता है क्या कार्ड आ रहे थे, सी देखिए ये ना, ये एक्चुअली बहुत ऐशो आराम वाला कार्ड है अगर मैं इसे इंटरप्रेट करूं, और उसके साथ ये जू, तो ये सब चीजें आपको बंधन लगने लगी, मतलब आपको आप उस मेडिटेशन, उस ट्रांजिट पॉइंट जो कहते हैं ना, जो क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव स्टेट जो कहते हैं, उसमें आप इतने ज्यादा डूब गए कि आपको ना फैमिली और ये सब चीजें बंधन लगने लगी, और यस आप बहुत हल्के हुए, ये स्पाइडरमैन का कार्ड ना आपके लिए पास्ट लाइफ के लिए गिरा, तो आपने अपनी लाइफ के बहुत कुछ चीजें डियर सीख ली है, मतलब पास्ट लाइफ में ही सीख ली है, तो अगर मैं आपको बात करूं ना, आप बहुत इवॉल्व सोल हो, क्योंकि आपने अपनी लाइफ का खराब टाइम, एट्थ हाउस होता ना, डार्केस्ट टाइम जहां पे इंसान टूट जाता है, रोता है, वो जो चीजें होती है ना, वो आपने चीजें देख चुके हो, और आप बहुत स्ट्रांग हो, यू आर वेरी स्ट्रांग, आप बहुत, और मुझे तो यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का इंट्यूशन बहुत अच्छा है, क्राउन चक्रा बहुत अच्छा है, ये लोग इवन आप में से कुछ लोग 1% लोग शायद एस्ट्रल ट्रेवल या फिर आपको सपने में बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देती है, आपके लिए कोई भी चीज हासिल करना ना मुश्किल नहीं है, आपको भगवान ने इतनी सारी क्वालिटीज दी, अगर भगवान ने दी है या आपने खुद ने बनाई है, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने खुद ने बनाई है, क्योंकि आपने खराब टाइम में अपने आप को संभाल के रखा और आप खुद आगे बढ़े हो, ओके, तो अभी भी
अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपकी जो सोल है, सोल तो वही रहती है ना, तो आपकी सोल इस जन्म में भी कुछ ऐसी सोल है जो है ना, अंदर ही अंदर कैसे बोलूं, आत्मसंतुष्ट नहीं कहते, आत्मसंतुष्ट ज्यादा लोगों के साथ, लोगों से जब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं, लोगों से बहुत ज्यादा वो चीज है, मतलब ना डियर आपका कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन है, मुझे तो यहाँ पे ये लग रहा है। एंड इट दे आर सो ब्यूटिफुल कार्ड्स, मतलब यस आप लोगों की जो जर्नी है ना वो आसान नहीं रही पिछले जन्म में, बट जो जर्नी रही वो बहुत खूबसूरत रही, और जिसकी वजह से ना आप लोग बहुत इवॉल्व हो गए। ओके, अभी देखते हैं कि पास्ट जन्म की कौन सी चीजें आप इस प्रेजेंट जन्म में साथ लेके आए हो, कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी ट्रेट्स हैं, क्या क्या चीजें, कौन सा कैसा कर्म आपका बाकी है अभी भी, लेट्स चेक। सी एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ वॉन्स, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। और देखते हैं एक और चीज, अगर बात करूं कि पिछले जन्म उनका ऐसा कौन सा कैरेक्टर, कौन सा ट्रेट जो आपने डेवलप किया, सीखा, और वो आपका इस जन्म में भी है, तो देखिए वो है रिलेटेड टू मनी। हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है आप हाउसवाइफ हो सकता है आप कॉलेज गोइंग हो सकता है आप जॉब में हो, या इवन आप मेल हो, कोई भी, ठीक है। बट यहाँ पे ये चीज दिख रही है कि आपको एक्चुअली अपना पैसा, मतलब कैसे बोलूं, आपको अपने ऊपर कोई बॉस होता है ना, जैसे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाता है, वो चीजें नहीं चाहिए। आपको अपना पैसा खुद कमाना आता है। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अभी कहाँ पे हो, आपको मनी प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप अपना पैसा खुद कमाना जानते हो। ओके, आपके अंदर ये स्किल है, चाहे वो सुप्त अवस्था में है, सोई हुई अवस्था में, चाहे वो जागृत अवस्था में, बट और इवन चाहे छोटा से छोटा काम है, मतलब मैं अगर बोलूँ ना आपको कोई हाई फाई बड़ी कंपनी वाली जॉब दे दे, या कोई ऐसा काम जो आपका खुद का हो, जिसमें आप खुद बॉस हो, तो आप सेकंड वाली ऑप्शन प्रेफर करोगे, जिसमें आप खुद बॉस हो, जिसमें आपके रूल्स एंड रेगुलेशन हो, जिसमें आप अपने हिसाब से फ्रीली काम कर सको। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, मतलब मुझे यहाँ लग रहा है आपको मनी वाइज इंडिपेंडेंस चाहिए, मनी वाइज आपको ऐसा काम करना है, काम तो करना है, ठीक है, आपको काम में कोई वो नहीं है, बट आपको ऐसा काम करना है जहाँ पे ना कोई बहुत ज्यादा परेशान ना करे, जहाँ पे पॉलिटिक्स ना हो, जहाँ पे लोग कॉन्स्पिरेसीज ना करे, आपको बिल्कुल साफ सुथरा वाला जो काम होता है ना वो करना है, और बेहद खुश होकर करना है, और उसके लिए आप बहुत पैशनेट भी हो सकता है कि आप अभी कोई ऐसी हॉबी हो आपके अंदर जिससे आप पैसा कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, बट कोई ऐसी हॉबी, कोई ऐसा टैलेंट, कोई ऐसी स्किल आपके अंदर जरूर 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 है, जो एक्चुअली अगर आपने जिसे वर्क पे लगा दिया तो उससे आप पैसा कमा सकते हो। आप लोग अच्छी चीजें ही लेके आए हो, और मैं खराब चीज की भी बात करूंगी, बट अगर मैं अच्छी चीज की बात करूं ना, तो आपके अंदर सी यहाँ पे ना रूट चक्रा सबसे ज्यादा आ रहा है, आपका रूट चक्रा बहुत एक्टिव है, आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, आप अपने कोई भी काम को ना बहुत जल्दी स्टार्ट करने में रहते हो, और ना लेजी बिल्कुल भी नहीं हो आपको, मतलब मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना पैसों के लिए पैसा कैसे बनाना है, कैसे काम करना है, मतलब मुझे यहाँ पे ये दिक्कत नहीं लग रही आप लोगों के लिए। टू बी रियली फ्रैंक, आप लोग क्वाइट इमोशनल भी हो, लविंग भी हो, केयरिंग भी हो, और साथ में वेरी स्ट्रांग भी हो, बाहर से भी ना बिल्कुल अपना आपको कैसे, मतलब कहते हैं आप पूरे अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट हो, मतलब अगर मैं बोलूँ ना अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो नो, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप यू आर लिटरली सी एस ऑफ पेंटिकल, मतलब ना आप अपने अंदर वो एक हुनर होता है ना, पैसा, मकान, गाड़ी, घोड़ा, ये जो होता है ना वो, अब मुझे नहीं पता आप
हाउस आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, बट ये क्वालिटीज आपके अंदर है। कोई भी चीज को फटाफट सीख के उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे अपना काम करना है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपको आपको जॉब की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लोग हो जो जॉब पे लोगों को रख सकते हो, ठीक है। ये आपके अंदर क्वालिटीज हैं, अगर आपने इन चीजों पे वर्क किया है या नहीं किया है आई डोंट नो, बट यस यू आर क्वाइट सफिशिएंट, ओके। यू आर वेरी बोल्ड, यू आर वेरी, मतलब सब चीजें हैं आपके अंदर। और अगर ना मैं फैमिली की बात करूँ ना, मैंने कहा था कि आप डिटैच हो, ओके, मतलब बहुत ज्यादा आपको अटैचमेंट नहीं है किसी पे, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी वाली जो चीज है ना वो मुझे यहाँ नहीं दिख रही। मुझे तो यहाँ पे ये लग रहा है कि डियर अगर आपको कोई परेशान करता है, स्पेशली ना कोई आप पे बॉस टाइप वाला फिगर आपको कोई ऊपर से दबका देता है या ऑर्डर देता है, तो आपको वो चीजें बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती, आप वहां से ना किनारा करने की कोशिश करते हो। सी एक ही नेगेटिव कार्ड आया सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का, और जब मैंने पूछा ना कि व्हाई इज दिस सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो एम्परर का आया, तो मुझे यहां यही लगा कि आप एक्चुअली लोगों को अंदाजा है या नहीं कि आप एक्चुअली ना बहुत ही अंदर से पावरफुल सोल हो। यू डोंट नीड एनीबडी, चाहे आप लेडी हो चाहे आप मैन हो, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। और ये जो ना कोई भी अगर आपको लगता है ना कि यार मैं किसी पे डिपेंडेंट हूं, तो डियर आप अपनी ताकत पहचानो, आप कुछ बहुत कुछ अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हो पैसों वाइज। और ना ये वन मैन आर्मी कहते हैं ना, वो दिख रहे हो मुझे आप, ठीक है। आपको अगर आपको ना आज आपका अब भगवान ना करे, मतलब अगर आज आपका कुछ जीरो भी हो जाए, तो आप जीरो से फटाफट आगे कैसे बढ़ते ना, वो चीजें बहुत अच्छे से आती हैं। और देखते हैं कि पास्ट लाइफ से आप अपने लिए कौन से ऐसे कैरेक्टर्स, कौन सी ऐसी ट्रेट्स अपने साथ लेके आए हो, और आपका कौन सा कर्मा अभी भी इस जन्म में बाकी है। लेट्स सी, देखो डियर मुझे तो बस यहाँ पे एक चीज बोलूं कि यहाँ पे मुझे एक चीज लग रही है कि आपको ना थोड़ा क्लीन खाना खाने की जरूरत है। शायद आप जैसी आपकी बॉडी है, जैसे आपकी सोल है, ठीक है, आपको एक हाई वाइब्रेशनल जो खाना कहते हैं ना, वो आपको खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि शायद आपको बहुत ज्यादा मीठा पसंद है, तो आप प्लीज मीठा, या इवन आपको टीथ की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इन सब चीजों को अवॉइड करो। आपको शुगर जो है ना वो अवॉइड करनी चाहिए, और इवन ना आपको बहुत अच्छा जो कहते हैं ना ग्रीन फूड्स वो खाने चाहिए, ओके। एंड यस, अभी मुझे आपकी लाइफ में, प्रेजेंटली आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा मेजर कर्मा जो है ना वो नहीं दिख रहा, ठीक है। बस मुझे हेल्थ वाइज ही आपके लाइफ में मेजर कर्मा, मतलब हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है, अदरवाइज मुझे कोई बड़ा नहीं दिख रहा। आप अपनी लाइफ में एक बहुत कहते हैं ना ऊंची उड़ान आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी शायद ले चुके हो, और कुछ लोग लेने वाले हैं। मतलब आप इस जन्म में एक्चुअली आए हो सक्सेस पाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए, अपनी एक्सपीरियंसेस से टीचिंग, लोगों को कुछ चीजें सिखाने के लिए, ठीक है, पढ़ाने के लिए, और एनीथिंग जो आप अब तक अपनी सोल जर्नी में सीखते आए हो, लर्न करते आए हो, वो सब चीजें लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, ठीक है, ये आपका मेन एम रह गया। बाकी मुझे अब आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा एम नहीं लगा, कोई बड़ी हैवी एनर्जी में अगर बोलू ना वो नहीं है, ओके। तो आप डियर अपने आप को किसी चीज पे मत रोको, मतलब मुझे यहां ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको पूरा फ्री विल दे रहा है, बेटा आपको जो करना है ना आप वो करो, आपको क्या सीखना है, आपको ये सीखना है तो ये लो, ये सीखना है ये लो, मतलब पूरी तरह से बोलूं कि आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं, ओके। बस अब आपको एक्शन लेना है, आपको आगे बढ़ना है, दैट्स इट, ओके। और देखते हैं कि आपका फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर जो है वो कैसा है। सी द हैंगमैन, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह माय गॉड, मतलब मैं अगर बोलू ना आपकी लाइफ में अभी आपका फ्यूचर कैसा है, व्हाट इज योर फ्यूचर।
सी है ना, ये अब छोटी मोटी जो चीजें होती है ना, आप बहुत ज्यादा ऊपर जा चुके हो यार। आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है ना, मेच्योरिटी लेवल होता है, वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। आप छोटी मोटी चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। छोटी मोटी चीजें, बहस करना और लोगों को जवाब देना, इन सब चीजों से आप ऊपर जा चुके हो। ओके, कहीं ना कहीं आपने जो जो मेजर कहता है ना प्रॉब्लम वाला पार्ट, लोगों के साथ परेशानियां वाला पार्ट, वो आपकी लाइफ में नहीं रहा, खत्म हो चुका है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर मैं सिर्फ बात करूं कि आपकी लाइफ में अभी ऐसी क्या चीजें जो परेशान कर रही है, ठीक है डियर, आपकी लाइफ का जो एक मेजर परेशानी वाला पार्ट है ना, वो है बैलेंसिंग, आपके काम को लेके और आपके काम को लेके और आपकी लव लाइफ को लेके, लव एंड वर्क, या रिलेशनशिप बोलो, या आपका स्टडीज बोलो, वर्क बोलो, करियर, फाइनेंशियल, जो आप पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, उन चीजों के बीच में बैलेंस करना। और ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ काम की जिम्मेदारी हो, कुछ करियर की जिम्मेदारी हो, ठीक है। आप मुझे अभी यहां नहीं दिख रहा कि आप बहुत ज्यादा फैमिली प्लानिंग में या बहुत ज्यादा इन चीजों में, मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी दिख रही है, ये स्पिरिचुअल जर्नी दिख रही है यहाँ पे, एक ना क्लियर कट लाइफ को आगे बढ़ने वाले, कहते हैं ना लाइफ के गंदा पार्ट आपका लाइफ का खत्म हो चुका है। ओके, नाउ इट्स गुड, ठीक है। ज्यादा रिलेशनशिप में भी ठीक है आपका, बट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं थी। और आप में से जो लोग सिंगल है, वो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाने में। और इवन जो लोग मैरिड है, जिनका बेबी नहीं है, तो मतलब आपको समझ रहे फैमिली प्लानिंग में आपका मुझे कम इंटरेस्ट लग रहा है अभी। आपका मुझे फोकस जो है ना, वो आपका काम और करियर पे जो है वो ज्यादा दिख रहा है। आप में से कुछ लोग अभी शायद ना रिलेशनशिप वाइज बहुत ज्यादा भी खुश नहीं दिख रहे हो। थोड़ा सा मुझे आपका रिलेशनशिप पार्ट बोलो ना, वो ड्राई लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना लव अफेक्शन की हल्की हल्की सी कमी दिख रही है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं इन चीजों को, ये पार्ट जो है ना कहीं इग्नोर हो रहा है, या इसमें थोड़ी सी एनर्जी कम लग रही है। आप बस इन चीजों का ध्यान रख लेना, और चलो साई बाबा कार्ड से ना आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हो, बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, तो लिव इन द प्रेजेंट, हर एक मोमेंट को जियो। हैव गुड थॉट्स, गुड डीड्स, गुड वर्क, एज दिस विल कम बैक टू यू सूनर एंड लेटर इन योर लाइफ। और देखिए, यू विल बी शोन द पाथ, बट यू हैव टू वॉक इट ऑल अलोन। देखिए, मैंने कहा ना, आप लोग वन मैन आर्मी हो, ठीक है। आपको आगे से आगे की जो जर्नी है ना, वो बताई जाती है, ठीक है, चाहे मेरी वीडियोस के थ्रू, चाहे आपकी स्पिरिट गाइड्स के थ्रू, चाहे आपको ड्रीम्स के थ्रू, बट आपको ही चलना है। बट कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारियां, फैमिली की जिम्मेदारियां, कुछ ऐसी चीजें ना, उसमें आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग मदर हो, ठीक है, मदर हो, बच्चे हो, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, उनमें भी कहीं ना कहीं आप फंसे हो, और जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा अपने करियर पे ग्रोथ नहीं, ध्यान नहीं दे पा रहे हो, कुछ भी ऐसी चीजें होती है। बट यस, आपको, आप काफी स्ट्रांग हो, आप काफी मैनेज कर सकते हो अपनी इन सारी चीजों को। ओके गाइज, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 2 येलो सिट्रीन वालों की रीडिंग। आई होप आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने ये ब्लू ब्रेसलेट चूज किया है, एमेथिस्ट चूज किया है, सॉरी, आइए देखते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी क्या रही है। लेट्स चेक। ओके, सबसे पहले तो फर्स्ट ही कृष्णा, ठीक है, धारण, एंड देन वात, एंड देन तंत्र, ओके, और इसमें से देखते हैं मून, दिस इज अ मैन, दिस इज एलियन, एंड दिस इज टाइगर, ओके, लॉयन, सॉरी। सो डियर, यहां पे अगर बात करूं आपके पास्ट लाइफ की, तो सबसे पहली बात, आप ऐसी सोल हो जो पास्ट लाइफ आपकी इस अर्थ पे, आप में से बहुत सारे लोगों की नहीं है, ठीक है। आपकी पास्ट लाइफ किसी और प्लैनेट पे है, किसी और प्लैनेट पे, चाहे मून हो सकता है, चाहे वो कोई और प्लैनेट, ठीक है। अब आई डोंट नो आप इस थ्योरी को मानते हो या नहीं मानते, बट यहाँ पे ये चीज लग रही है कि आप लोग एक्चुअली इस धरती पे, या तो आपका पहला जन्म है, या आप किसी और प्लैनेट से आए हो, किसी और यूनिवर्स से, मतलब कहीं बाहर से आए हो, बिकॉज ना ये एलियन एंड मून का कार्ड मुझे साफ यही दिखा रहा है। एंड डियर, वन थिंग,
आप जहां भी थे, बट यस यू, आपको वो जो डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है ना वो पता है, मतलब आप एक अलग टाइप की सोल हो। अगर मैं पिछली दो रीडिंग्स की बात करूं तो वो बहुत ही डिफरेंट थी, बट आप ऐसी सोल हो जो बहुत ही अलग हो। आपका ऑलरेडी इनर वर्क, कहते ना अंदर का, अंदर के जो ब्लॉकेजेस वो बहुत कम है, अंदर की ऑलरेडी चक्रास जो है वो आपके ओपन है। स्पेशली आपका जो थर्ड आई है वो बहुत ज्यादा ओपन है, तो जब थर्ड आई ओपन होता है ना तो आप में से बहुत सारे लोग जो है एनर्जीज को फील कर लेते हो, एनर्जीज को फील कर लेते हो, चाहे वो कोई सी भी एनर्जीज हो। ओके, आप में मतलब कहते ना आपके अंदर वो ज्ञान, कहते ना ज्ञान और भक्ति और वो जो सारी चीजें वो आपके अंदर है, और आपके अंदर एक्चुअली में ना आप किसी चीज को खराब बुरा ये सब नहीं मानते हो। जैसे इस धरती के जो लोग होते हैं ना, जो बहुत टाइम से इस धरती पे हैं, मतलब बहुत टाइम, बहुत जन्म इस धरती पे निकाल दिया है, तो वो ये सब चीजें मानते हैं कि अच्छा ये खराब है, ये बुरा है, ये अच्छा है। वो जो जजमेंट वाला फैक्टर है ना वो आपके अंदर तो है ही नहीं। ठीक है, आपके अंदर ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो। आपने कभी ये फील किया है कि आप बाकी सब लोगों से बहुत अलग हो, बाकी सब लोगों से इतने ज्यादा अलग हो कि आप एक्चुअली आपके अंदर क्रिएटिविटी भी बहुत ज्यादा है, आपके अंदर आइडियाज भी अलग आते हैं, आप अलग तरह से बिहेव करते हो, अलग तरह से रिएक्ट करते हो। जैसे लोग बिल्कुल जो लोअर मेंटालिटी पे काम करते हैं ना, आप वैसे हो ही नहीं। आपको अपन फ्री फ्लोइंग, मतलब नेचुरली हंसते रहना, खेलते रहना, ये आपका पास्ट लाइफ से आपका चला आ रहा है। ओके, एंड मतलब मैं अगर बोलूँ ना कि आपका डिवाइन फेमिनिन हो या डिवाइन मैस्कुलिन हो, आप तो दोनों आपके अंदर है, दोनों आपके अंदर है, मतलब दोनों एनर्जीज इतनी ज्यादा बैलेंस है, यिन और यैन एनर्जी इतनी ज्यादा बैलेंस है। सी कैसे ना, मून का कार्ड भी है और लॉयन का कार्ड भी है, तो मून जो होते हैं ना वो फेमिनिन से रिलेटेड है, और लॉयन मुझे यहाँ पे मेल लग रहा है, यहाँ पे भी मेल। तो मतलब अगर बात करूं तो आपके अंदर कोई ऐसा पार्ट है ही नहीं जो कमी है, मिस्टेक है या कुछ ब्लॉकेज है, नो। बट यहाँ पे ये हो सकता है कि लोग आपको अलग तरीके से लेते हैं, लोग आपको अननोन तरीके से लेते हैं, लोग आपको मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग कृष्णा भगवान के भक्त हैं, मतलब यूनिवर्स को किसी ना किसी तरह से आपका बहुत गहरा कनेक्शन है। ओके, और एक और चीज, जहां पे ना सी कृष्णा और ये बात, जहां पे लेडीज लड़की हंस रही है, मुस्कुरा रही है, बिल्कुल ना फ्री फ्लोइंग, हो सकता है आपको नेचर बहुत पसंद है, उगता सूरज, वाटरफॉल, ये सब बहुत पसंद है, और ना आप चीजों को इतनी गंभीरता से नहीं लेते हो। कभी किसी के कोई छोटी मोटी चीज हो जाती है ना तो आप बहुत ज्यादा उन चीजों को बड़ा नहीं मानते हो, आपको लगता है कि ठीक है ये सब चीजें होती रहती है। मतलब ना यहाँ पे, मतलब मुझे यहाँ पे ये बहुत ही अलग रीडिंग लग रही है। लेट मी चेक, और देखते हैं कि एक्चुअली आप, आपका क्या सोल पर्पस है, आप यहाँ पे ठीक है बाकी दूसरे प्लैनेट से या दूसरी जगह से कैसे आए हो। लेट्स चेक, सी वापस से द चैरियट, पहला कार्ड कृष्णा के गिरा था और यहाँ पे भी द चैरियट, देख रहे हो आप कनेक्शन, एस ऑफ वांड्स, डियर आपका इस धरती पे आने का जो पर्पस है ना वो बहुत अलग है। आप लोग एक्चुअली इस धरती पे किसी स्पेशल पर्पस के लिए भेजे गए हो। ठीक है, आज की दुनिया में, अर्थ में जो भी चीजें हो रही है ना, जो भी चीजें हो रही है, जो भी मेंटालिटी पे लोग दुनिया काम कर रही है, जो भी खराब मेंटालिटी पे काम कर रही है ना, एक्चुअली आप लोग
लव एंड लाइट फैलाने आए हो, ओके? यहाँ पे मतलब इट्स अ नो मोर जोक प्लीज। हाँ, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, वेरी मच लाइक आपका कोई स्पेशल पर्पस है, जो कोई काम है, आपको कोई काम के साथ आपको यहाँ पे भेजा गया है कृष्ण भगवान ने। ओ माय गॉड, सी यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप लोग ऐसी सोल्स हो और आप अकेले नहीं हो, जब आप आए हो ग्रुप ऑफ सोल्स आया है। प्लीज है ना, आपको ये थोड़ी सी रीडिंग पता नहीं मुझे रेजोनेट करे ना करे, बट यहाँ पे ये लग रहा है कि कृष्ण भगवान, सी कृष्ण भगवान और डिवाइन कनेक्शन, जो भी आप यूनिवर्स जिनको भी मानते हो, उन्होंने आपको लिटरली कोई टास्क के साथ भेजा है और वो टास्क है एक्चुअली में ये समझाना लोगों को कि नेचुरली लाइफ को कैसा जिया जाता है, नेचुरल फॉर्म में ना, हर चीज को बहुत ही लव और बहुत ही अलग तरीके से, लव और लाइट के तरीके से देखना, समझाना, बहुत कुछ चीजें। आप लोग इस धरती पे आए हो हील करने के लिए, हीलिंग कैसे काम करती, हाउ टू हील, है ना, हाउ टू हीलर। आप में से बहुत सारे लोगों को हीलिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है। आपको एक्चुअली जब मैंने पूछा ना यहाँ पे ये फोर ऑफ कप्स क्यों आया, तो मुझे यहाँ पे ये दिखा कि आप लोग शायद इस दुनिया में अभी खुश नहीं हो, कि कैसे जो कुछ कुछ जो ऐसे होते हैं ना, पंडित लोग बोलू या कुछ कुछ जो स्पेशल जो अलग टाइप के लोग होते हैं, जो धर्म के नाम पे खराब काम करते हैं, ठीक है, वो चीज आपको नहीं पसंद आती, ओके। आपको, आप बहुत ट्रू और जेन्युइन लोग हो यार, मतलब लाइक आप प्लीज मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, जो जिन्होंने भी थर्ड पाइल चूज किया है, इन लोगों का तो स्पेसिफिकली उद्देश्य है कि नेचुरली अबंडेंट कैसा रहा जाए, नेचुरली पैसा कैसे मिले। मतलब आज ने हमने इस दुनिया में इतनी सारी चीजें हार्ड बना दी ना, पैसा कमाना हार्ड हो गया है, स्ट्रगल हम इजी मानते हैं, मतलब स्ट्रगल करना मतलब नॉर्मल बात हो गई है, ठीक है, हर चीज में मुश्किलें ढूंढते, वो जो चीज है ना, उन सब चीजों से आप पर्दा हटाने आए हो, ठीक है, पर्दा हटाने आए हो, जो मेंटली जो मतलब मुझे तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें लग रही ना, आप समझ जाओ, जैसे कैसे ना काम करते हैं ना, जैसे कैसे एंजल्स काम करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का एंजल कनेक्शन होगा, मैं आई एम लिटरली सीइंग एंजल कनेक्शन होगा। अगर आज आपको नहीं बताना कि आप कौन हो, तो लिटरली मैं आपको एक बात बताऊं डियर, आप ना काइंड ऑफ हीलर हो, आपकी जो सोल है ना, हीलर सब लोग होते हैं, बट आप स्पेशली वो लोग हो जो सच में हील करने के लिए आए हो। अगर मैं बोलूं कि आपका कोई ऐसा काम है कि जहां पे आप 9 to 5 वाले जॉब में फंसे हो, जहां पे आप परेशान हो रहे हो, तो डियर आप गलत जगह पे हो, प्लीज आई एम रियली सॉरी। हाँ, गलत जगह पे हो मीन्स बिकॉज आप लोगों को शायद सेटिस्फाई नहीं होते होंगे, आप ऐसा काम करने में सेटिस्फाई होते हो जहां पे आप लोगों को सच्चाई बता सको कि रियल ट्रूथ क्या होता है ना, वो बता सको कि एक्चुअली में ही कैसे होते हैं यार हम, मतलब कितने सारे झूठ जो फैलाए गए हैं, कितनी सारी चीजें, बिलीफ सिस्टम जिन्हें हमने सच मान लिया है, वो सब झूठ है। मतलब आप ऐसी चीजें आप देखते हो, समझते हो, और आप लोगों को जागरूक करना चाहते हो, ठीक है, ये आपका एक्चुअली में रियल पर्पस है, ओके, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल यार, वाओ, मतलब यू आर लिटरली ना, आपका एक बहुत, आप लोग बहुत मॉडर्न हो, अगर मैं बोलूँ ना, आप बहुत पुराने तरीके से काम नहीं करते हो, आप बहुत मॉडर्न हो सकता है, आप बहुत वेल एजुकेटेड हो, आपके पास सब कुछ नॉलेज हो, बट आपको हाईफाई टैकी होने के साथ भी आप लोग कैसे ना कैसे मतलब ये सब होने के बावजूद भी आप जो दुनिया नहीं दिखती, जो एनर्जीज नहीं फील होती, आप उन सब चीजों को मानते हो, वो चीजें कैसे काम करती है वो मानते हो, स्पिरिचुअलिटी, क्रिस्टल्स, अकल्ट नॉलेज, रेकी, इन सब चीजों को मानते हो, और आपको हील करने के लिए, लोगों को हील करने के लिए भेजा गया है, डू यू नो दैट, ठीक है, हाउ स्पेशल इज दैट। और मतलब मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या काम कर रहे हो, क्या कौन सा काम कर रहे हो, बट यस, आपका मेजर जो पर्पस है वो ये है, इसलिए आप इस दुनिया में, पास्ट लाइफ बोलो ना, पास्ट लाइफ आपकी एक्चुअली कोई अलग ही यूनिवर्स दिख रहा है मुझे, अलग ही वो चीज दिख रही है, वो कहते हैं ना सीरियन और स्टार सीड्स और वो जो सारे जो ग्रुप्स ऑफ सोल्स होते हैं, ठीक है, वो मुझे उनमें से वो चीज लग रही है। और यस, तो आपका पास्ट लाइफ कर्मा तो कुछ मुझे बहुत ज्यादा दिखा नहीं, ठीक है, आप लोग स्पेशल जर्नी पे हो, स्पेशल सोल्स हो, और प्लीज, हाँ, अब मेरी इस वीडियो को सुन के आप सोचो कि मैं 9 to 5 जॉब छोड़ दूं और मैं ये काम करने लग जाऊं, तो प्लीज मैं इस चीज पे रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, बट यस, आप लोगों का जो स्पेशल पर्पस है, आप में से बहुत सारे लोगों का, वो ये है। और देखते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा है, लेट्स चेक व्हाट्स योर फ्यूचर। सी 6 of Wands, वाओ,
सी देखिए यहाँ ना इससे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड मैं और नहीं निकाल सकती। ठीक है, मतलब मुझे पता है ये लोग ना अलग टाइप के लोग हैं और डियर आप लोग एक्चुअली में खुशी, लव, प्यार, सक्सेस, लाइट और डिवाइन लाइट, ये जो चीजें होती है ना ये आप फैलाने आए हो। आपका एक अलग पर्पस या अलग मिशन है एंड यू आर लाइक क्वाइट जेन्युइन पर्सन। ओके, क्वाइट जेन्युइन पर्सन। हो सकता है कि अभी आप किसी प्रॉब्लम में हो सकते हो, फंसे हो, क्योंकि आप ऐसे लोगों ना स्पेशल सोलो कभी कभी कंफ्यूजन में फंस जाते हैं। हमें ना हमें क्लैरिटी नहीं होती कि मुझे आगे क्या करना चाहिए लाइफ में। कितनी बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको बार बार ये चीजें बताएंगी कि भैया तू आप हीलर हो, आप हीलर हो, आपको अलग पर्पस है, अलग पर्पस है, बट आप ड्यू टू सम इशू आप कहीं फंसे हो, ये भी हो सकता है। तो आप प्लीज मुझे नोट करके कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपकी लाइफ की कोई ऐसी घटना ऐसी हुई है जो आपको बार बार अंदर से ट्रिगर कर रही है कि नहीं मेरा ना पर्पस हीलिंग का है या मेरा पर्पस कुछ और बनने का है। प्लीज हाँ, और प्लीज इस वीडियो को सुन के कोई डिसीजन मत ले लेना, अपने ही रिस्क पे डिसीजन लेना। मैं पहले से ही एक लीगल डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। मैं एक बार और चेक करना चाहती हूँ आपकी संतुष्टि के लिए, मैं एक बार और चेक करना चाहती हूँ कि इस एमेथिस्ट वाले ब्रेसलेट का मतलब साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेज है। लेट्स सी, सी सेलिब्रेशन, ओके, एंड धूनी, सी गुड न्यूज, टाइम फॉर सेलिब्रेशन, बर्न ऑल योर वरीज, फियर, एंगर, हर्ट, जेलसी एंड डिजीज इन माय धूनी। और एक कार्ड और निकालती हूँ। Life purpose, your life purpose, the purpose of your life is a caretaker and a light worker of the planet Earth. मैंने कहा था ना आप लोग ये आपका life purpose है। And see, the pain you experience is not because of the situation but because of resisting and blocking the situation. और मैंने ये भी कहा था कि आपकी life की कोई ऐसी situation हो रही होगी जहां पे आप problem में होंगे, परेशानी में होंगे, क्योंकि universe आपसे कुछ और कराना चाहती है। universe आपको किसी और पाते भेजना चाहती है और जहां आप फंसे हुए हो, जहां पे परसेप्शन, जजमेंट इनकी वजह से फंसे हुए हो। ठीक है गाइस, सो गाइस ये थी ग्रुप नंबर 3 एमेथिस्ट ब्रेसलेट वालों की रीडिंग। आई होप आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।